हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू महावीर पीजी कॉलेज यूट्यूब चैनल। अभी तक आपका बीसीए में एडमिशन हो चुका होगा और मैक्सिमम हर कॉलेज में बीसीए की क्लासेस अब शुरू हो चुकी हैं। बहुत कम ही यूनिवर्सिटीज़ ऐसी बची हैं जहां पे अभी क्लासेस शुरू नहीं हुई, नहीं तो मैक्सिमम 95% जगह पे बीसीए की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। तो जैसा कि लास्ट सेमेस्टर में मैंने आपसे वादा किया था कि इस बार हम लोग शुरू से ही कोर्स को साथ साथ लेके चलेंगे ताकि एग्जामिनेशन से काफ़ी पहले ही हमारा सारा सिलेबस ख़त्म हो जाए। तो इसी क्रम में मैं आज आपके साथ बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस शुरू करता हूं और सबसे पहले हम आपस सिलेबस का डिस्कशन करते हैं। तो बीसीए आपको पता है कि 3 साल का कोर्स होता है, हर 6-6 महीने पर सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होता है, हर सेमेस्टर ऑलमोस्ट 5 पेपर होते हैं 100-100 मार्क्स के और एक प्रैक्टिकल होता है 100 मार्क्स का। तो ऑलमोस्ट 600 मार्क्स का आपका हर सेमेस्टर होता है। इसमें मैं आपको बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ाऊंगा। बिजनेस कम्युनिकेशन आपका 100 मार्क्स का होता है, एनजी केवीपी के लिए 75 और 25 में बटा हुआ होता है। 75 मार्क्स आपका एक्सटर्नल होता है जिसका पेपर आप कहीं बाहर किसी और सेंटर पर जाके देते हैं, और जो 25 मार्क्स होता है वो आपका इंटरनल मार्क्स होता है जो कि आपके कॉलेज के द्वारा आपको दिया जाता है, जो कि आप कुछ असाइनमेंट्स बनाते हैं या क्लास टेस्ट देते हैं, इस फॉर्म में आपको 25 मार्क्स दिया जाता है। एज द नेम सजेस्ट, पेपर 4 आपका है बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का मतलब होता है आपस में बातचीत। कम्युनिकेशन का मतलब होता है डेटा, इंफॉर्मेशन या मैसेज एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जाना। ठीक, ये होता है कम्युनिकेशन का मतलब। इस सब्जेक्ट में हम टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि किस किस टाइप का कम्युनिकेशन होता है, वर्बल, नॉन वर्बल, फॉर्मल, इनफॉर्मल, ओरल कम्युनिकेशन, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, इसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, कम्युनिकेशन में आप इसका स्कोप क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ आप बिजनेस लेटर के बारे में पढ़ेंगे, जैसा कि हमने अभी तक अपने क्लास 12th में लेटर राइटिंग पढ़ा था। ठीक, लेटर राइटिंग हम देखते थे कि एक हम फॉर्मल लेटर भेजते थे, अपने प्रिंसिपल को अप्लीकेशंस लिखते थे और ये सब चीज़ें, और एक इनफॉर्मल लेटर भेजते थे जो लेटर टू अ फ्रेंड और अ फैमिली भेजते थे। अब बिजनेस लेटर एक फॉर्मल लेटर होता है और आगे चल के फॉर्मल लेटर में भी बहुत सारे टाइप्स डिवाइड हो जाते हैं, जैसे कि फॉर्मल लेटर में अगर आपको बैंक में लेटर भेजना है टू स्टॉप अ चेक, तो कैंसिलेशन लेटर लिखने का एक अलग फॉर्मेट होता है, डिमांड लेटर लिखने का एक अलग फॉर्मेट होता है, कोटेशन लेटर लिखने का अलग फॉर्मेट होता है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम ड्राफ्टिंग ऑफ बिजनेस लेटर, ड्राफ्ट करना मतलब उसको लिखने का तरीका, उसको फॉर्म करना, तो ड्राफ्टिंग ऑफ बिजनेस लेटर के बारे में पढ़ेंगे। और साथ में रिपोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे रिपोर्ट को बिल्ड किया जाता है, रिपोर्ट्स कैसे लिखे जाते हैं, और इसी के साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन में कैसे हेल्प करता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम पूरे बिजनेस कम्युनिकेशन सब्जेक्ट के अंदर पढ़ेंगे। आइए इसी के साथ आज हम अपना बिजनेस कम्युनिकेशन का फर्स्ट यूनिट की शुरुआत करते हैं। बिजनेस कम्युनिकेशन आप अपना सिलेबस देखेंगे तो सबसे पहली यूनिट है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक, जब हम छोटे थे तो हम हमेशा पढ़ते थे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या क्या होते हैं, तो रेलवेज, रोडवेज, वाटरवेज पढ़ते थे। इसी तरह हम लोग मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ेंगे। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन मतलब कि कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनिकेशन मतलब कम्युनिकेशन का परिचय पढ़ेंगे। परिचय के साथ साथ हम कम्युनिकेशन के बैरियर्स के बारे में, बैरियर मतलब रुकावट, कम्युनिकेशन में आने वाली रुकावट के बारे में जानेंगे, उसको पढ़ेंगे कि किस किस टाइप की रुकावटें आती हैं कम्युनिकेट करने में, और उन रुकावटों को, उन बैरियर्स को हम पास कैसे कर सकते हैं, उनको दूर कैसे कर सकते हैं। और फिर आता है मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन। बहुत सारे लोगों ने अलग अलग मॉडल्स दिए हैं कम्युनिकेशन की, कम्युनिकेट करने के लिए अलग अलग टेक्निक्स बताई है, उन टेक्निक्स के बारे में हम समझेंगे, जानेंगे, पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन, परिचय से शुरू करते हैं। कम्युनिकेशन क्या होता है, जब भी आपको कोई भी नई चीज़ दी जाए, जब भी आपको कुछ भी एक नया शब्द दिया जाए, तो आप सबसे पहले 3 सवाल पूछा करिए। ठीक, पहला सवाल है व्हाट, दूसरा व्हाई और तीसरा हाउ। ठीक,
व्हाट, व्हाई एंड हाउ. व्हाट ये क्या है, व्हाई ये क्यों है, इसको क्यों करते हैं. तीसरा ये कैसे होगा, कैसे किया जाता है. ठीक, तो सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट कि कम्युनिकेशन आखिर है क्या. व्हाट इज कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन जो शब्द है वो एक लैटिन वर्ड से आया है जिसको हम लोग कहते हैं कम्युनिकेयर. ठीक, इसमें क्या होता है, देखिए जब कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति तक अपना मैसेज ट्रांसफर करता है. ठीक, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति तक अपना मैसेज ट्रांसफर करता है तो इस पूरी प्रक्रिया को हम कहते हैं कम्युनिकेशन. इसमें जो व्यक्ति मैसेज को भेज रहा है उसको हम कहते हैं सेंडर, जो व्यक्ति मैसेज को प्राप्त कर रहा है उसको हम कहते हैं रिसीवर, और जो मैसेज भेजा जा रहा है उसको हम कहते हैं डेटा या इन्फॉर्मेशन, और जिस द्वारा भेजा जा रहा है, जिसके द्वारा ये मैसेज ट्रांसफ़र किया जा रहा है उसको हम लोग कहते हैं मीडियम. ठीक, तो किसी भी कम्युनिकेशन को होने के लिए, किसी भी कम्युनिकेशन प्रोसेस को होने के लिए सबसे पहले चार चीज़ें बहुत आवश्यक हैं. पहला सेंडर, वह व्यक्ति बहुत आवश्यक है जो मैसेज को भेज रहा है. दूसरा रिसीवर, वह व्यक्ति जो मैसेज को प्राप्त कर रहा है. तीसरा वह मैसेज बहुत ज़रूरी है जो कि भेजना है या रिसीव करना है. और चौथा माध्यम, वह मीडियम बहुत ज़रूरी है जिसके द्वारा मैसेज को भेजा जाएगा. और इस पूरी प्रक्रिया को, ये जो हुआ कि सेंडर ने भेजा एक इन्फॉर्मेशन, एक मैसेज रिसीवर ने रिसीव किया, एक माध्यम द्वारा भेजा गया, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन प्रोसेस. यही कम्युनिकेशन कहलाता है. ठीक, यहाँ पे पढ़िए, देखिए कम्युनिकेशन कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोसेस इन विच इंडिविजुअल्स टू और मोर. एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि कम्युनिकेशन तभी हो सकता है जब एक से अधिक व्यक्ति हो. अगर आप अकेले हैं तो आप अकेले किसी से बात नहीं कर सकते. ठीक, आपको एक से अधिक व्यक्ति की ही आवश्यकता होगी बात करने के लिए. ठीक, शेयर देयर व्यूज, मैसेज जो मैंने कहा कि शेयर करते हैं मैसेज, तो वो मैसेज क्या क्या हो सकती हैं, वो आपके व्यूज हो सकते हैं. व्यूज मतलब आपका दृष्टिकोण, आपके सजेशंस हो सकते हैं, सलाह हो सकती है, एविडेंस हो सकते हैं, थॉट्स मतलब विचार हो सकते हैं, या फीलिंग्स हो सकती हैं, आपकी भावनाएं हो सकती हैं. आप मैसेज के रूप में इनमें से कोई भी चीज शेयर कर सकते हैं. ठीक, और सीधी बात, जो इस प्रोसेस में दो लोग इन्वॉल्व रहते हैं उनको सेंडर और रिसीवर कहा जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे आप कम्युनिकेशन का प्रोसेस समझ गए कि कम्युनिकेशन क्या होता है. आइए अब हम पढ़ते हैं कि उसका कम्युनिकेशन का नेचर क्या होता है. नेचर, जैसे हम कहते हैं ना, अरे इसका नेचर ऐसा है, इसका नेचर ऐसा है, तो नेचर बेसिकली डिफाइन करता है कि वह व्यक्ति कैसा है. तो हमें ये जानना है कि आखिर कम्युनिकेशन होता कैसा है. हम ये जान गए कि एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को जब मैसेज भेजा जाता है तो कम्युनिकेशन हो जाता है. ठीक, अब हम ये जानते हैं कि वह जो प्रोसेस हो रहा है वो है कैसा, उसका नेचर क्या है. तो फर्स्ट नेचर क्या है पहले कम्युनिकेशन का, फर्स्ट नेचर है इनएविटेबल. ठीक, ये वर्ड है इनएविटेबल, आप इसको नोट कर लीजिए. इनएविटेबल का मतलब होता है कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अ थिंग विच कैनॉट बी अवॉइडेड. ये इतना आवश्यक है कि इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता. ठीक, तो हम ये कहते हैं कि कम्युनिकेशन इतना आवश्यक चीज़ है हमारे जीवन के लिए कि हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते, इसको रोक नहीं सकते हैं. द थिंग विच कैनॉट बी स्टॉप्ड और अवॉइडेड. ठीक, तो क्या है, कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको कोई अवॉइड नहीं कर सकता, उसको कोई रोक नहीं सकता है. अगर कोई व्यक्ति है जिसको एक सुनसान खाली जगह पे बंद कर दिया जाए और उसको किसी से भी बात करने ना दिया जाए तो वो थोड़ी देर बाद अपमानसिक रूप से पागल हो सकता है. ठीक, क्यों, क्योंकि कम्युनिकेशन एक सोशल नीड है. ठीक, कम्युनिकेशन जो है वो एक सोशल मतलब सामाजिक ज़रूरत के साथ साथ एक साइकोलॉजिकल नीड भी है व्यक्ति की. उसकी मानसिक स्थिरता बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो लोगों से बात करता रहे. आपने हो सकता है कभी कहानियों में पढ़ा हो या सीरियल्स में देखा हो कि अगर किसी व्यक्ति को एक काल कोठरी में बंद कर दिया जाए जहां उससे किसी से बात ना करने दिया जाए तो धीरे धीरे आदमी डिप्रेशन में चला जाता है और वो धीरे धीरे पागल भी हो सकता है. ठीक, तो कहा गया है कि नेचर क्या है कम्युनिकेशन का, कि पहला कि ये तो इनएविटेबल है,
ये ऐसी चीज है जिसको अवॉइड ही नहीं की जा सकती, मानव के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरा, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कंटिन्यूअस प्रोसेस का क्या है कि लगातार वर्षों दर वर्षों होता चला आ रहा है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई बताया हो कि अरे सन 1400 में लोग बातें करते थे, कम्युनिकेशन करते थे, फिर उसके बाद एक राजा आया, उसने मना कर दिया, फिर बंद हो गई, फिर 1900 के बाद से फिर से होने लगी। नहीं, ऐसा नहीं है। जब से ये पृथ्वी पे मनुष्य रह रहे हैं, तब से किसी न किसी रूप में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं। हो सकता है भाषा बदल गई, हो सकता है कम्युनिकेशन करने का तरीका बदल गया, मेथड बदल गए, टेक्निक बदल गए, टेक्नोलॉजी बदल गई, पर कम्युनिकेशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। और जब से हम मानव इस पृथ्वी पे रह रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक। थर्ड है, इट्स अ टू वे ट्रैफिक। देखिए, टू वे ट्रैफिक क्या होता है, जब हम रोड पे जाते हैं तो कुछ सड़कें ऐसी होती है जिसपे सिर्फ गाड़ियां एक तरफ जाती जाती हैं, सामने से कोई नहीं आता, ठीक। जैसे हम हाईवे पे जाते हैं तो आने के लिए एक अलग रास्ता बना होता है, जाने के लिए एक अलग रास्ता बना होता है, तो उसको क्या कहा जाता है, वन वे ट्रैफिक, कि सिर्फ एक तरफ ही जाया जा सकता है। बट कुछ छोटी सड़कें होती हैं, गांव की सड़कें होती हैं, अपने मोहल्ले की सड़कें होती हैं, वो कैसी होती हैं, उस पे जाने और आने का कार्य एक ही सड़क पे किया जाता है, तो ऐसी सड़कों को कहा जाता है टू वे ट्रैफिक, जहां पे इधर से उधर भी जा सकते हैं और उधर से इधर भी आ सकते हैं, ठीक। तो दैट इज नोन एज टू वे ट्रैफिक। तो कम्युनिकेशन को क्या कहा गया है कि इट्स अ टू वे ट्रैफिक। इसका मतलब क्या हुआ कि कम्युनिकेशन ऐसा नहीं कि सिर्फ कुछ व्यक्ति हैं जीवन में जिनके पास सिर्फ मुंह है और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास सिर्फ कान है। ये लोग सिर्फ बोलेंगे बोलेंगे सुन नहीं पाएंगे और वो लोग सिर्फ सुनेंगे सुनेंगे बोल नहीं पाएंगे, ऐसा नहीं होता है। कम्युनिकेशन एक टू वे ट्रैफिक है, इसमें हर व्यक्ति बोलता भी है और सुनता भी है। आप अगर किसी को कुछ बोलेंगे तो वो भी कुछ बोलेगा आपको और आपको सुनना रहेगा, ठीक। तो हमेशा कहा गया है कि एक कम्युनिकेशन इज अ टू वे ट्रैफिक। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि इट्स अ शॉर्ट लिव्ड प्रोसेस। शॉर्ट लिव्ड प्रोसेस का मतलब क्या है कि इस कम्युनिकेशन जो ये प्रोसेस है इसकी आयु बहुत छोटी होती है। आयु कैसे छोटी होती है, जैसे मैंने बोला कि हाँ भाई हेलो, मैं सेंडर था, वह व्यक्ति रिसीवर था, मैंने बोला हाँ भाई हेलो, ये मेरा मैसेज था, मैंने बोला, उसने सुना। मीडियम क्या था, एयर। एयर इस टाइम पे मीडियम था, शब्द हमारे माध्यम थे, ठीक। कम्युनिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया, मैंने बोला, रिसीवर ने सुन लिया, उसके तक मैसेज पहुंच गया, प्रोसेस कंप्लीट। तो क्या हुआ, इस प्रोसेस की जो टोटल लाइफ है वो बहुत छोटी होती है, इट्स अ वेरी शॉर्ट लिव्ड प्रोसेस। ये ऐसा नहीं है कि मैं हाँ भाई हेलो बोला हूँ तो वो सालों बाद जाके कोई सुन रहा है, नहीं, आप बोलोगे, रिसीवर उसको रिसीव करेगा और बात खत्म हो जाएगी, इट्स अ वेरी शॉर्ट लिव्ड प्रोसेस, ठीक। फिफ्थ पॉइंट है, इट्स अ यूनिवर्सल फिनोमिनन। यूनिवर्सल फिनोमिनन का क्या मतलब होता है, यूनिवर्सल मतलब जो पूरे ब्रह्मांड में हो, फिनोमिनन यूनिवर्सल मतलब पूरा ब्रह्मांड, फिनोमिनन मतलब होने वाली प्रक्रिया, ठीक। तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो पूरे ब्रह्मांड में होती है। कम्युनिकेशन ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे भारत में एक दूसरे से बात करते हैं और अफ्रीका में लोग बात नहीं करते, बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, और बस भाषाएं अलग होती हैं, कम्युनिकेशन करने का तरीका अलग होता है, बट करते हैं, ऐसा तो नहीं है, ठीक। यूनिवर्सल फिनोमिनन का मतलब है, जैसे ऐसा नहीं है ना कि मनुष्य बात करते हैं पर हाथी एक दूसरे से बात नहीं करते या चिड़िया एक दूसरे से बात नहीं करती। जो भी लिविंग बीइंग है इस पृथ्वी पर, जिसके अंदर भी जान है, वह चीज़ कम्युनिकेट करती ही है, बस उसका कम्युनिकेट करने का अपना एक तरीका अलग होता है, पर कम्युनिकेशन होता ही होता है और पूरे ब्रह्मांड में होने वाला प्रोसेस है। सिक्स पॉइंट है, कॉन्टेक्चुअल। कॉन्टेक्चुअल का मतलब होता है, कॉन्टेक्चुअल वर्ड आया है कॉन्टेक्स्ट से, कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है संदर्भ में। तो कम्युनिकेशन हमेशा किसी न किसी पर्टिकुलर संदर्भ में होगा। ऐसा नहीं है कि आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो और उस चीज़ का कोई मतलब ही नहीं है, उसका कोई कॉन्टेक्स्ट ही नहीं है, ठीक। जैसे सपोज मैंने क्या बोला कि कम्युनिकेशन क्या है, सेंडर रिसीवर, सेंडर रिसीवर को एक मैसेज भेजेगा, रिसीवर ले लेगा, कम्युनिकेशन प्रोसेस था ख़त्म, ठीक। मैसेज कुछ भी हो सकता है। अब मैंने बोला मेरे मुँह से कुछ वर्ड्स निकले, रिसीवर ने रिसीव किए, सुन लिए, तो क्या कम्युनिकेशन का प्रोसेस हुआ, नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि जो मैसेज था दैट शुड मेक सेंस,
एज वेल, अगर किसी भी कम्युनिकेशन प्रोसेस को होने के लिए उस मैसेज का कुछ ना कुछ मतलब बनना चाहिए, कुछ ना कुछ कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए, ठीक। तो इसलिए मैसेज कम्युनिकेशन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए सेंडर, रिसीवर, मैसेज सबका होना जरूरी है, और मैसेज का कुछ ना कुछ सेंस बनना चाहिए, ठीक। सिमिलर वर्ड्स में लीड टू डिफरेंट मीनिंग इफ स्पोकन इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, देयरफॉर मीनिंग ऑफ कम्युनिकेटेड वर्ड्स में चेंज अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट, ठीक। सेम वर्ड्स के अलग संदर्भ में बोला हुआ मतलब अलग हो जाता है, ठीक। जैसे कि अगर आपको कोई बुला रहा है, आपने बोला आ गए, तो इसका मतलब है कि आपने उसको बुलाया और आप उसको बता रहे हैं कि हाँ बस मैं आ गया। वहीं आप किसी व्यक्ति की बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं, ठीक, आप इंतज़ार कर रहे हैं, और जब वो व्यक्ति आता तो और आ गए, सेम शब्द है, आ गए आ गए, शब्द सेम है, पर अलग अलग कॉन्टेक्स्ट, अलग अलग संदर्भ में जब इसको यूज़ किया तो मतलब बदल गया। वहाँ उसका मतलब था कि हाँ मैं बस आ गया, यहाँ मतलब है कि क्यों इतनी लेट से आए हो, अभी तुम्हें अब पहुँचे हो, हाँ आ गए, ठीक। बस अलग अलग संदर्भ में यूज़ हुआ सेम शब्द का मतलब अलग अलग बदल जाता है। तो हमें हमेशा बेटर कम्युनिकेशन करने के लिए संदर्भ पता होना चाहिए, ठीक। सेवेंथ पॉइंट है नीड प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। किसी भी मैसेज को समझने के लिए और क्लियरली समझने के लिए हमारा जो है उस मैसेज की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है, ठीक। सपोज मुझे बंगाली नहीं आती और कोई व्यक्ति मुझसे बंगाली में कोई मैसेज पास करता है, तो वो मैं उसको समझ नहीं पाऊँगा, वो मेरे लिए एक वो मैसेज मेरे लिए कंप्लीट, वो कम्युनिकेशन प्रोसेस मेरे लिए कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो सेंडर और रिसीवर दोनों को जो मैसेज है उसकी कॉमन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक। जो शब्द, जो भाषा मुझे समझ में आती है, सेंडर को उसी भाषा में मुझे अपना मैसेज भेजना चाहिए, तभी कम्युनिकेशन का प्रोसेस पूरा हो पाएगा, अदरवाइज कम्युनिकेशन का प्रोसेस पूरा नहीं हो पाएगा। कम्युनिकेशन के प्रोसेस को पूरा होने के लिए और एफेक्टिवली पूरा होने के लिए हमें वर्ड्स की, उस लैंग्वेज की और कॉन्टेक्स्ट की, सब चीज़ों की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक। एट पॉइंट है लीड्स टू द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है लक्ष्य, ठीक। देखिए शुरू शुरू में मैं हर छोटे छोटे वर्ड्स को एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि गांव से हैं और उन्होंने हिंदी मीडियम से पढ़ाई की है, तो ये वर्ड हो सकता है आपके लिए बहुत आसान लग रहे हो पर बहुत सारे बच्चों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है। तो हम शुरू शुरू में हर वर्ड बाई वर्ड का मतलब समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक। तो ये क्या करता है कम्युनिकेशन, आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भी मदद करता है, उसको लीड करता है। जब आप कम्युनिकेशन में बेटर हो जाते हो तो आप दिए हुए मैसेज को प्रॉपरली समझ सकते हो और उस समझ के साथ ही आप अपने लक्ष्य को अचीव करते हो, ठीक। नाइन्थ पॉइंट है एलिमिनेट्स मिसअंडरस्टैंडिंग। एलिमिनेट्स का मतलब होता है हटाना, ठीक, माइनस करना, हटा देना, ठीक, माइनस करना या हटा देना। एलिमिनेट्स मिसअंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग मतलब समझ, मिसअंडरस्टैंडिंग मतलब गलत फहमियाँ। तो ये क्या करता है, प्रॉपर कम्युनिकेशन गलत फहमियों को हटाने का भी काम करता है। इसी के साथ हमारा नेचर ऑफ कम्युनिकेशन ख़त्म होता है। अब मुझे लगता है कि आज के लिए ये वीडियो आपके लिए पर्याप्त हो गया है। आप ऑलरेडी बुक्स ले चुके होंगे, सिलेबस ऑनलाइन डाउनलोड कर चुके होंगे, अगर नहीं डाउनलोड किया है तो सिलेबस मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। और इसी के साथ आज का वीडियो हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं। जब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो हम आगे इसके स्कोप और ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस करेंगे, और उसके बाद फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन, उसको भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक। इसी के साथ हम अपना वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।